नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम वैकेंसीज, एग्ज़ाम्स और एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस लेकर आते हैं आप सबके साथ। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अलर्ट सर्विस और कम्युनिटी फोरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के और, जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के EMPRI फेलो एंड अन्य पद के बारे में है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी। तो पोस्ट का नाम है EMPRI फेलो, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था। दूसरे पोस्ट का नाम है सीनियर कंसल्टेंट। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों जो आपको चाहिए होगी EMPRI फेलो के लिए, वो है PhD इन साइंस इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इन क्लाइमेट चेंज। और अगर आप सीनियर कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी वो है PhD इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। और जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए वो है 45 वर्ष तक की। और फॉर्म भरने का प्रोसेस, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है 22/12/2021 से और ये 12/1/2022 तक ही रहेगी। तो इसके बीच आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज दें दोस्तों। अगर आपको फॉर्म के बारे में कुछ जानना हो, एप्लीकेशन डिटेल्स चाहिए हो, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि www.empri.karnataka.gov.in है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी पैटर्न एंड एक्स्ट्रा या फिर पोस्टिंग के संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए इन अटैचमेंट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे alert.exampathfinder.com पे उपलब्ध मिलेगी आपको दोस्तों, जहाँ पे जाते ही आपको इस इवेंट को सर्च करना होगा और नीचे आते ही आपको ये अटैचमेंट्स दिख जाएंगी, जहाँ से आपको इसको इस तरह से डाउनलोड करनी है। और अगर दोस्तों आप इस इवेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप हमारे फॉरम पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि community.exampathfinder.com है। तो इसकी जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी जाएगी। तो यहाँ आते ही जब आप सबसे लोअर सेक्शन में जाएंगे, आपको एक राइटर रिप्लाई का बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में आपको जितनी भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए हो इस इवेंट के रिगार्डिंग या फिर कोई डिस्कशन करनी हो, आप यहाँ पे लिख के उसे पोस्ट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अलर्ट के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों वैकेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है और इसीलिए आप इस पद के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें। वैकेंसी सिर्फ 2 है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोजीशन, क्वालिफिकेशन, टेनर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। मैं फिर से आपको सूचित कर देती हूँ दोस्तों कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड ही भरनी होगी और कोई भी मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। और एप्लीकेशन भरने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि www.empri.karnataka.gov.in है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में हमारे तक अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।